नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MS SSC नोट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं यूपी टेट 2017 की सीरीज चला रहा हूं। उसमें मैंने आपके लिए कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जैसे मैथ्स और बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण से रिलेटेड लगभग सभी चीजों को मैंने कवर कर लिया है आपके लिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियो को भी देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और आपको पता होगा कि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आपके मोबाइल पे नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, आप उसको दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। तो यहाँ पे मैं आपके लिए हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, अब ऑप्शन है आपका, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, इसका ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, ऑप्शन आपका मुहावरे, लुकोतियां का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और चौथा ऑप्शन है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। मतलब कि अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करना, अपने भावों को प्रकट करना। अगला प्रश्न है देखिए, यहाँ पे केवल लिखा हुआ है लिखना, तो लिखना का क्या मतलब है यहाँ पे देखिए, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, लिखना एक तरह की बातचीत की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, अपने भावों को स्पष्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, कक्षा एक के बच्चे अपने रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है घर परिवार कौमा पड़ोसी, घर परिवार कौमा परिवेश, घर परिवार कौमा दोस्तों, घर परिवार कौमा टीवी। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे स्कूल क्या लेके जाते हैं, घर परिवार तथा उसका परिवेश, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा एक और दो के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अर्थ कौमा उद्देश्य, अक्षर ज्ञान तथा मनोरंजन, शब्द पहचान कौमा मूल्यांकन, अक्षर ज्ञान कौमा उद्देश्य। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ना प्रारंभ करते हैं क्यों से, अर्थ से हो और किसी उद्देश्य से हो, मतलब कि उनको पढ़ने का कोई एक अच्छा सा कारण हो और किसी अच्छा सा उद्देश्य हो। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, जो भाषा होती है वे एक दूसरे से आपस में अंतः संबंधित होती है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा, उसके बाद है रिक्त स्थान, फिर एक रिक्त स्थान है, फिर बीच में और है, उसके बाद एक और रिक्त स्थान है, का एक उत्तम साधन है। तो क्या हो जाएगा, भाषा एक ऑप्शन यहाँ पे, सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने व समझने। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका नंबर सी सही होगा, सोचने में, महसूस करने में और चीजों से जुड़ने में। भाषा क्या होती है, एक माध्यम होती है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण,
डैश पर बल देता है? ऑप्शन है अनुकरण, रचनात्मक, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन होगा अनुकरण। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है, पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिस्प्लेसिया, डिस्ग्राफिया। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, ये कौन सी समस्या है? डिसलेक्सिया समस्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन है कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्य पत्रकों, परस्पर अंतःक्रिया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कक्षा में क्या होता है? परस्पर अंतःक्रिया होती है। ठीक है, परस्पर मतलब एक दूसरे से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका इसमें से ऑप्शन होगा सही ए, कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। जैसे आपकी क्लास में अगर कोई बाहर बाहर का व्यक्ति आ गया या बाहर का छात्र आ गया, तो उसकी भाषा कुछ और है, आपकी भाषा कुछ और है, तो आपको उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज ये हमारा हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जो मैं आपके समक्ष लाया था। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, और फिर से मैं एक बार कहता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब दबा दीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।